और यहाँ से यहाँ तक का दूरी f, यहाँ से त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP और कौन सा त्रिभुज A dash B dash P में क्या होगा? यहाँ से इसका जो कोण है ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। I और ये वाला कोण R, R तो यहाँ से कोण ABP बराबर कोण A dash B dash P, B dash P, P बराबर होगा कितना? 90 डिग्री, दोनों का मान 90 डिग्री। दूसरा एंगल I बराबर ABP बराबर कोण A dash P B dash दोनों बराबर होगा किससे? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, के नियम से। कुछ डाउट होगा तो पूछना चाहते हैं। कोण I बराबर होता है कोण R के, यहाँ से दोनों A A समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज किसके? A dash B dash P के। अब दोनों समरूप हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A dash B dash बटा AB बराबर। अब यहाँ से इसका आधार लेंगे कितना? B dash P बटा BP ये हो गया पहला समीकरण। ओके, इसी प्रकार प्रयोजन कैसे लिखे हैं? प्रयोजन कैसे कौन सा B dash P यहाँ है, ये दोनों त्रिभुज है ना, तो यहाँ से बी डैश पी अगर लेंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा? बीपी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसका आधार, ये वाला त्रिभुज में इसका आधार यहाँ से यहाँ तक है और ये इस त्रिभुज का आधार यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर एक त्रिभुज का आधार लेंगे तो दूसरे का भी आधार ही लेंगे, मतलब तो ऐसा नहीं कि एक का आधार ले लें दूसरे का कर्ण बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से ये यह हो गया। इसी प्रकार से जैसे ऊपर सिद्ध किया वैसे इसी प्रकार से अब इस दोनों त्रिभुज में एक यहाँ से ए बी सी और यहाँ से ए डैश बी डैश सी त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में अभी दोनों का कोण 90-90 है, एक ये कोण 90 है, इसका भी कोण 90-90 है। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री 90। और यहाँ से ये वाला कोण इसके बराबर होगा कारण दोनों का जो मुंह है एक ही जगह। तो यहाँ से कौन सा कोण हो जाएगा? बी सी ए या ए सी बी? कोण ए सी बी बराबर कोण किसके? ए डैश बी डैश सी बी डैश, ये कौन सा कोण है? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, इसलिए सम्मुख कोण बराबर होता है। अभी दोनों क्या हो जाएगा? ए ए समरूपता से समरूप हो जाएगा, ए समरूपता से सर समरूपता का समरूप मतलब एक ही जैसा रूप है, साइज अलग अलग है। समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। इसलिए क्या हो गया? अब इस त्रिभुज का ये ऊंचाई ए डैश बी डैश बटा इस त्रिभुज का ऊंचाई ए बी, ए बी बराबर। इसका आधार यहाँ से कितना हो जाएगा? बी सी, बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी बटा बी सी, बी सी, बी सी। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा।
अब यहाँ से पहला समीकरण है ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश पी बटा बी पी, और फिर यहाँ पर भी ए डैश बी डैश बटा ए बी है, ये दोनों तो बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, जैसे ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो सी ए के बराबर है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण एक और दो से, एक और दो से, दो से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, कौन बी डैश पी बटा बी पी, बी डैश पी बटा बी पी बराबर बी डैश सी अब यहाँ से सबका मान रख देंगे बी डैश पी, बी डैश पी कहाँ पे, बी बी डैश पी किसके बराबर है, यू के बराबर, बी के बराबर, बी बी बी, तो यहाँ से माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी बटा बी पी, बी पी कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, यू यू, तो यहाँ से माइनस सब सब दूरी तो इधर ही है बराबर, यहाँ से बी डैश सी है, बी डैश सी तो इतना ही का बताना है, तो क्या करेंगे पूरा में से इतना को घटा देंगे, इतना का दूरी बताना है ना, तो इधर जो है वो पूरा में से क्या करेंगे घटा देंगे, यहाँ से पूरा कितना है 2f, यहाँ सी तक 2f, फोकस का दुगना होता है ना, 2f में से कितना घटाएंगे, इतना दूरी ये किसके बराबर, बी के बराबर, तो कितना हो जाएगा 2f माइनस b, माइनस 2f माइनस b, तो जोड़ा जाएगा एक को प्लस b, प्लस b हो जाएगा बटा, फिर इसके बाद bc, bc कितना आ जाएगा, bc है ना, bc 2f माइनस 2f कर ना होगा, 2f इसमें से घटेगा, यहां से कितना आ जाएगा, ये वाला दूरी यहां तक कितना है, u के बराबर, u के बराबर, माइनस u में से 2f घटाएंगे, माइनस u प्लस 2f, माइनस में वो रहता, माइनस में घटा, दोनों माइनस में होगा ना, तो कैंसिल, जो जो ऊपर वाला में प्लस में 2f होगा माइनस में भी, और इस नीचे वाला में प्लस में u होगा माइनस में 2f, बात बराबर है, माइनस के माइनस दोनों में से माइनस ले लें कॉमन हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका माइनस कैंसिल, इससे इससे हो जाएगा, अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे v से u में गुना, तो कितना हो जाएगा, माइनस u v, माइनस u v, फिर इसके बाद v से 2f में गुना, कितना हो जाएगा, 2f प्लस में 2f v प्लस 2f v बराबर, फिर इसके बाद u से इसमें माइनस माइनस टू एफ यू, टू एफ यू माइनस टू एफ यू, और फिर इसके माइनस यू भी, माइनस यू भी कैसे होगा, प्लस में होगा, प्लस यू भी, अब जो एक दिशा है उसको एक साथ, यहाँ से यू भी प्लस में है ना, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और इसको इधर ले आएंगे प्लस में, तो यहाँ से ये तो पहले प्लस में है, तो पहले इसको लिख लेते हैं एफ बी, एफ यू बी बी, उसके बाद फिर ये माइनस में है, उधर है प्लस में लाएंगे, इधर प्लस प्लस टू एफ यू, टू एफ यू बराबर, और फिर यहां से इसको ले जाएंगे प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा, प्लस यू एफ यू बी प्लस यू प्लस यू, तो टू यू बी हो जाएगा, टू यू बी हो जाएगा, अब यहाँ से सब में दो तो कॉमन है, कितना हो जाएगा, या सीधा सीधा क्या करेंगे, सब में टू यू टू भी एफ से भाग दे दें, यू भी एफ से, टू यू भी एफ से दोनों ओर भाग देने पर, इसको याद रखें, बिना भाग दिए नहीं आए, दोनों ओर भाग देने पर, ओके यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें भाग दे दें 2f v बटा 2u v f प्लस 2f u बटा 2u v f बराबर 2u v बटा
F. अब जो कटने वाला है काट देंगे, B से B कैंसिल, F से F कैंसिल, टू से टू कैंसिल, फिर उसके बाद टू से टू, F से कैंसिल, U से U, U से U, U से दो, से दो कैंसिल, और यहाँ से टू यू सी से टू यू भी कैंसिल। अब इसके नीचे क्या बचा, वन बटे U, ऊपर तो वन बचा, वन बटे U प्लस वन बाय V बचा, वन बटे V बराबर वन बाय F। प्रूफ, ये हो गया मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। तो इस तरह से सिद्ध करेंगे। कई डॉट समझ गए, बस दो त्रिभुज लेंगे, एक ये बड़ा वाला और एक इसको, खाली त्रिभुज याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रूफ तो करने कल से सीख ही गया होगा कि कैसे प्रूफ करेंगे।